आज मैं आपको INVT गुड ड्राइव 200A सीरीज इन्वर्टर की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी किस तरह सेट होती है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की फॉर्ट की कैलकुलेशन बताऊंगा, डेमोस्ट्रेशन कराऊंगा कि फॉर्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी किस तरीके से इस पर ऑपरेट होती है। ये एक ड्राइव आपके सामने INVT की 200A सीरीज़ की है। ये इस वक्त देखें यहाँ पे इसके डिस्प्ले से पहले शुरू करते हैं। डिस्प्ले पे इसका ये स्लाइड का मतलब है कि ये अभी रन टाइम पे, यानी कि ये ऑन है, ड्राइव काम कर रही है। लोकल रिमोट का मतलब है कि ये रिमोट से ऑन हो रही है और हर्ट्स का मतलब ये कि ये अभी यहाँ पे रनिंग हर्ट्स दिखा रहा है। अगर हमें देखना हो कि कितने एम्पियर पे चल रहा है तो यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये अभी पहले वोल्टेज दिखाएगी आपको, उसके बाद परसेंटेज दिखाने के बाद रनिंग एम्पियर दिखाएगी, रनिंग एम्पियर के बाद ये हर्ट्स और एम्पियर की परसेंटेज दिखाएगी, RPM दिखाएगी, फिर एम्पियर वोल्टेज का परसेंटेज दिखाएगी और उसके बाद दोबारा ये हर्ट्स पर आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर दो तरीके के पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट ड्राइव पे कीपैड कहलाता है, कीपैड का पोर्ट होता है, और एक पोर्ट एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे इसका ये कम्युनिकेशन पोर्ट होता है अगर कम्युनिकेशन करवानी है। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक पोर्ट लगा हुआ है, इस पोर्ट की जो तार है वो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जाके लगती है। इसका कनेक्शन मैं आपको डिटेल में वीडियो में आपके सामने मैं दिखा दूँगा, वहाँ पे हमारे पास ये डिटेल में लगे हुए होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग में पैरामीटर P0.0 पे जाते हैं और इसको सबसे पहले हम रिमोट पर करते हैं। तो P0.0 के अंदर जाके 0.001 में जाते हैं, 1 में जाके एंटर करेंगे और इसको हम 1 कर देंगे। इसका मैनुअल के साथ मैं आपकी पिक्चर ऐड कर दूंगा वीडियो में, नज़र आ जाएगा कि 1 का मतलब क्या होता है। फिर हम स्केप से बाहर आएंगे और हमें इसको ऑपरेट करने के लिए एक पैरामीटर होता है P009। P009 का मतलब होता है AI2 फ्रिक्वेंसी। AI2 फ्रिक्वेंसी में 1 कर देंगे तो हम AI2 फ्रिक्वेंसी को ऑपरेट कर रहा होगा। अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये अभी 22 हर्ट्ज पे चल रही है और जब मैं इसको वेरी करूँगा तो अभी ये देखें फ्रिक्वेंसी मैंने पॉट से घुमाना शुरू किया तो इसकी हर्ट्ज बढ़ने शुरू हो गए। अगर मैंने 23 हर्ट्ज पे कर दिया है और मैं अब इसके एम्पियर देखना शुरू करूँ तो इसके एम्पियर पहले देखें बढ़ गए, पहले 12 थे अभी 13 एम्पियर पे आ गए। इसी तरह 50 हर्ट्ज पे भी जा सकते हैं और इसको हम मिनिमम हर्ट्ज पे चला के पावर सेविंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।